हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ, मैं आज क्या बनाने वाले हैं? आज बनाने वाली हूँ मैं ईद स्पेशल चिकन दम बिरयानी। तो आज हम ये बनाने वाले हैं चिकन दम बिरयानी। अभी क्या है ना, ईद को 10 दिन ही बचा है। हाँ। सब लोग अपनी ईद की तैयारी में लग चुके हैं, तो सोचे हम भी क्यों हाँ, ना लग क्यों ना, सही बात है। अभी क्योंकि देखो 10 दिन बचा है, तो आप लोग चाहते होंगे ना कि एक और एक बिरयानी की रेसिपी आए इंशाल्लाह। तो आज हमें कौन सी बिरयानी बनाने वाले हैं? चिकन स्पेशल चिकन दम बिरयानी, जो ईद के मौके पे आप लोग बना के जरूर खाना। हाँ, वैसे मैं अपने बहुत सी बिरयानी बनाई, बहुत माशाल्लाह। तो ये बिरयानी कुछ अलग है? हाँ, अलग है ना। मैं ये क्वेश्चन ना हर बार पूछता हूँ, क्योंकि हमने ना अभी तक के 20 से 25 बिरयानी की रेसिपी डाली और वो सबके सब अलग है, कोई भी सिमिलर नहीं। अच्छा, वैसे ये बताओ कि ये ऐसा कुछ रहने वाली है कि सिंगल लेयर की, डबल लेयर की, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, वो तो अपने ऊपर रहता है। देखो, डबल लेयर और सिंगल लेयर, मैं तो आज एकदम सिंपल तरीके से सिंगल लेयर की बनाऊंगी, जो झटपट हम दम बिरयानी की तरह बना सके, क्योंकि ईद में मौके कम होते हैं, तो लेयर वेयर की बिरयानी बनाने के लिए टाइम नहीं होता है। इस वजह से हम सिंगल लेयर की और एकदम आसान तरीके से बनाएंगे, ताकि आप भी अपने घर पे आसान और इजी तरीके से बना सके, है ना। हाँ। तो चलो फिर नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे, क्या जमी चिकन दम बिरयानी बनाने के लिए क्या क्या लेंगे। चलो, तो सबसे पहले लेंगे हम चिकन, आलू, टमाटे, खोवा, अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, हरी मिर्ची, कोथमीर, पुदीना, नींबू, फ्राई प्याज, काजू, बादाम, किशमिश, आलू बुखारा, गरम मसाला पाउडर, जावित्री जायफल का पाउडर, केवड़ा वाटर। यहाँ लेंगे हम चावल, हल्दी, मिर्ची, धनिया, जीरा पाउडर, अखा जीरा। यहाँ लेंगे हम खड़े गरम मसाले में दालचीनी, बड़ी इलायची, फूल, छोटी इलायची, काली मिरी, लौंग और तेज पत्ता। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो सबसे पहले हम चिकन ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ली हूँ पूरे 1/4 किलो चिकन, ठीक है। 1/4 किलो से एक आध बोटी ज़्यादा ही होगी। अब हम मैरिनेट किस में कर रहे हैं वो देखो, सीधा टॉप में ही शुरू हो गई हूँ मैं, जिसमें हमको बनाना है, ठीक है ना। सबसे बेस्ट रहता है ये, यही गैस पे चढ़ाइए। हाँ, सबसे बेस्ट रहता है, जिसमें आपको बनाना है उसी में आप शुरू हो जाओ। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे आलू। आलू देखो मुझे ना बहुत अच्छे लगते हैं बिरयानी के, आपको डालना है तो डालिए, नहीं तो नहीं डालना है तो कोई बात नहीं। ये आलूओं को मैंने ना तलेली प्याज, जो प्याज लाल कर रही थी ना, उसी में थोड़ा सा तल के निकाल ली, ताकि ये गल सके चिकन के साथ साथ, नहीं तो चिकन गल जाएगा और आलू हमारे कच्चे रह जाएंगे। इसके लिए उसको भी थोड़ा सा तेल में फ्राई कर ली हूँ। कितने आलू है? ये 1/4 किलो आलू है, 1/4 किलो हमारा चिकन है, यानी कि 1 किलो हो गया। यहाँ डालूंगी मैं 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। अब हम डालेंगे इसमें टमाटे। देखो, टमाटे भी बहुत से लोग हैं जो बिरयानी में नहीं डालते हैं, बहुत से लोग हैं डालते हैं, लेकिन बम्बई में डाला जाता है, ठीक है। अगर आपको नहीं डालना है तो आप हटा देना। हम डाल रहे भाई। हाँ, हम डाल रहे हैं, हमको अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं डालूंगी 4 हरी मिर्ची, जिसको मैंने चीरा लगा ली हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा नींबू का रस निकाल ली हूँ मैंने, ये भी हम डाल देंगे, मस्त है ना। यहाँ पे डालूंगी मैं जायफल और जावित्री का जो पाउडर बना के ली हूँ मैंने, दरदरा सा, ये खुशबू के लिए बहुत अच्छा रहता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। जायफल और जावित्री पीस लेना अलग से, ये भी मैं इसमें ही ऐड कर दूंगी। इसके बाद मैं यहाँ पे डालूंगी गरम मसाला पाउडर, ये जो हमारा घर का पिसा हुआ गरम मसाला है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम डालेंगे केवड़ा वाटर थोड़ा सा, इसका जो है ना स्मेल बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ इसको, ठीक है। अब आते हैं हमारे सूखे मसालों पे। तो यहाँ पे लेंगे हम मिर्ची की बुक्की, जितना हमको तीखा लगेगा। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच, धनिया की बुक्की मैं डाल रही हूँ, जीरे की बुक्की थी, ठीक है, 2 चम्मच मैं जीरे की बुक्की डाल रही हूँ, और अखा जीरा भी 2 चम्मच डाल रही हूँ। अब यहाँ पे डालेंगे हम धनिया की बुक्की 3 चम्मच, हमारा चम्मच छोटा है ये साइज का, वो हिसाब से मैं बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं डालूंगी 1/2 चम्मच हल्दी, मतलब टीस्पून सब यूज किया हमने। हाँ, वही है मेरा सब टीस्पून। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्ची, ठीक है। हमने डाल दिए ये सूखे मसाले सारे इसमें। अब डालेंगे हम इसमें नमक, नमक मैं मेरे हिसाब से ले रही, आप लोग अपने हिसाब से ले लेना।
यहाँ पे मैं दो और थोड़ा सा दही, ठीक है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी ये दही। तो यहाँ पे दही मैंने ली हूँ 300 ग्राम, ठीक है। आप कम ज़्यादा खाना, अगर जिसको खट्टा नहीं पसंद या मसाला कम खाते हो तो आप थोड़ा सा दही कम ले लेना। यहाँ पे मैं ये पूरा 300 ग्राम दही ले ले रही हूँ, ठीक है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कोथमीर। जो नहीं भी खाता वो भी डाल के खाना। इसमें मैं डालूंगी फ्रेश वाली पुदीना, जो कि खुशबू बहुत मजे की आती है, ये डालना, ठीक है। अब हम डालेंगे इसमें आलू बुखारे। यहाँ पे मैंने 4 आलू बुखारे ली हूँ, लेकिन 4 मेरे ख्याल से ज्यादा हो जाएंगे, हम 3 ही डालेंगे इसमें। आलू की तबीयत खराब है क्या? नहीं नहीं, ये आलू बुखारा एक ड्राई फ्रूट होता है, खट्टा मीठा, ये डालने से अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे हमारी ये तली हुई प्याज। प्याज देखो कंजूसी नहीं करना, मैं हमेशा बोलती प्याज कभी भी कंजूसी से नहीं डालना, बिरयानी में जायका प्याज से बहुत अच्छा आता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 1.25 किलो से भी ज़्यादा प्याज फ्राई करके लाई हूँ, जिसमें से मैं अभी इसमें आधा डाल रही हूँ, और मैंने थोड़ी एक छोटी बाटी में निकाल के रखी हूँ जो हमको ऊपर बिछाने के काम आएगा। अब आते हैं हमारे खड़े गर्म मसालों पर। हमने बुक्की गर्म मसाला तो डाल दिए है, अब डालेंगे खड़े गर्म मसाले में 3 बड़ी इलायची डाल रही हूँ मैं, यहाँ पर 1 स्टार फूल डाल रही हूँ, यहाँ पर हम डालेंगे 10 से 15 हरी इलायची, यहाँ पे डालेंगे हम 15-20 काली मिरी। हम थोड़े थोड़े गरम मसाले बचा ले रहे हैं क्योंकि हमको चावल बॉईल करना है ना, उसमें भी ऐड करना है। मुझे लगा दूसरे बिरयानी में डालेंगे। यहाँ पे हम डाल रहे हैं 7 से 8 लौंग, और यहाँ डाल रही हूँ मैं 2 दालचीनी का टुकड़ा जो 2-2 इंच का है, और तेज पत्ता तो भूल गई, यहाँ हम डालेंगे 2 से 3 तेज पत्ता। ये हमने अभी इसमें सारे मसाले ऐड कर दिए हैं, अभी हाथों की मदद से इसको मैं पूरा अच्छे से मसल लूंगी। जब तक हाथों की मदद से आप चिकन के मसाले नहीं रगड़ के लगाएंगे, बिरयानी में टेस्ट नहीं आने वाला, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं रगड़ा। तुम्हें टोटल कितने किलो की बिरयानी बन रही है ये? ये अभी देख, 1.25 किलो चिकन ली हूँ और 1.25 किलो चावल ली हूँ, ठीक है, और 1.25 किलो तो मैंने वो आलू ली हूँ, तो 1.25 किलो पकड़ो। तो मतलब टोटल कितना हो गया ये? 1.5 किलो के आसपास। हाँ, मसाले वगैरह, दही, टमाटे। तो अगर किसी को 5 किलो की बिरयानी बनाना है तो 2.5 किलो चिकन लेना पड़ेगा, 2.5 किलो चावल, ऐसा रहता है क्या? हाँ, वैसा भी रहता है, और बहुत से लोग ऐसा भी काउंट करते हैं 2.5 किलो चिकन, 2.5 किलो चावल, और बहुत से लोग ऐसा काउंट करते हैं जो 5 किलो चावल, 5 किलो चिकन, बहुत अलग अलग तरीके से करते हैं अपने अपने हिसाब से। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने मसाले लगा लिए है अच्छे से, अब मैं इसमें डालूंगी ये हमने जो प्याज का तले हुआ तेल रखे है ना इधर, जिसमें हमने प्याज अच्छे से फ्राई कर लिए थे, वही तेल है ये डालेंगे हम बिस्मिल्लाह। अभी यही टाइम पे आप नमक वगैरह चख सकते हैं, जिसको ऐसा डाउट है कि थोड़ा फीका है या तेज नहीं हुआ है या तेज करना चाहिए, तो ये मोमेंट पे आके आप ये पूरे मसाले मिलाने के टाइम पे थोड़ा सा चख लेना, ठीक है। लेकिन अभी हम रोजा है, हम नहीं चख रहे हैं, हम हमारे अंदाज से बना रहे हैं, ठीक है। लोग तो ईद में बनाएंगे ना, या ईद के बाद? हाँ, ईद में बनाएंगे ना बाबा। रात को आप मसाला इस तरह से लगा दीजिए, और फ्रिज के नीचे का हिस्सा खाली करके ये टोप आप अंदर रख दीजिए फ्रिज में। दूसरे दिन नमाज के बाद आप चावल पका के दम पे चढ़ा दीजिए, आपकी बिरयानी तैयार, और टाइम भी बचेगा। ये भी आइडिया अच्छा है ना। अब क्या करेंगे, हम इसको ढक के रख देंगे 1 आधे घंटे के लिए ऐसे ही। तो चिकन को मसाला लगा के हमने रख दिए थे, और यहाँ पे चावलों के लिए पानी चढ़ा दिए थे, जो कि हो गया है बॉयल। अब क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे गरम मसाले। यहाँ पे मेरे 3 गिलास चावल है, तो ये कम से कम 7 से 8 गिलास पानी है, ज्यादा ही पानी डालना ताकि चावल अच्छे खुले पके, ठीक है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 10 से 15 काली मिरी, यहाँ डालेंगे 2 बड़ी इलायची, 7 से 8 छोटी इलायची, 2 फूल, 2 तेज पत्ता, और 3 से 4 लौंग। आप दालचीनी भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं। यहाँ डाल रही हूँ मैं 2 हरी मिर्ची, थोड़ी सी डालेंगे हम इसमें कोथमीर, ये नहीं भी डाले तो चलता है, लेकिन खाली फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ, हमारी मर्जी, ठीक है। हमारी मर्जी। अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा नींबू। नींबू का रस इसमें डालने से क्या होता है कि चावल हमारे खुले खुले पकते हैं, चिपकते नहीं एक दूसरे से। नींबू का रस और तेल जरूर डालना। यहाँ पे हम डालेंगे 1/2 चम्मच तेल। अब इसको
थोड़ा सा एक बॉईल आने देंगे और इसके अंदर हम हमारे चावल डाल देंगे। यहाँ डाल रही हूँ मैं रोज वाटर थोड़ा सा, क्योंकि ये हम अभी निथारेंगे ना तो निथर जाएगा और खुशबू हमारे चावलों में रह जाएगी। तो यहाँ पर पानी अच्छे से बॉयल हो गया है, इसमें हम डालेंगे नमक। तो जिस तरीके से पानी ज्यादा डालेंगे, नमक भी हम थोड़ा सा ज्यादा डालेंगे क्योंकि वो भी बह जाएगा। जितना नमक चावलों को चाहिए चावल पकड़ लेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं डाली हूँ 3 चम्मच नमक और डाल देती थोड़ा सा। अब इसमें ऐड करेंगे हमारे भिगाए हुए चावल। ये हमने आधा घंटे से धो के अच्छे से भिगा दिए थे, इसको आप 1 से 2 घंटा भी भिगा के रख सकते हैं। खारी खारी तो नहीं होगी ना बिरयानी, लोगों का मानना ये। नहीं नहीं, आप लोग मेरी तरीके से बना के देखिए, खारी होगी तो मुझे कमेंट जरूर करना। हम पैसा दे देंगे। हाँ, हम पूरी बिरयानी का पैसा सोच समेत वापस कर देंगे। नहीं, ये जो नमक डालते ना, बहुत लोग सोचते हैं इतना नमक डाल दिया। नहीं नहीं नहीं, ये जो बॉयल हो जाती है हमारे जो चावल, चावलों को जितना नमक चाहिए चावल ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं। उसके बाद जो पानी बचता है उसको निथारने में हमारा जो खारापन है वो निथर जाता है। और अगर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा खारा होगा तो आप जब निथारने के टाइम पे 1 गिलास ठंडा पानी ऐड करके निथार लेना, उसका कुकिंग प्रोसेसर भी रुक जाएगा और आपका चावल भी खारा नहीं होगा, ठीक है। अब हम इसको पकने देते हैं 2 से 4 मिनट के लिए। तो हमारे चावल पक रहे हैं, जब तक हम क्या करेंगे, यहाँ फ्राई पैन में हमारे जो ड्राई फ्रूट लिए हैं हमने थोड़े से, उसको फ्राई कर लेंगे। बिरयानी के साथ साथ छिलकुरमा भी बना रहे हैं। इसीलिए तो है स्पेशल ये। अब क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे ये हमारे काजू। मैं बोला छिलकुरमा भी बना रहे हैं। छिलकुरमा नहीं बना रहे हम स्पेशल बिरयानी बना रहे हैं, ठीक है। मैं इसको हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे काजू बादाम अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इसको निकाल लेंगे। तो काजू बादाम मैंने निकाल ली हूँ अच्छे से फ्राई करके। अब हम किशमिश भी इसमें फ्राई कर लेंगे और गैस बंद कर दूंगी। ये घी जो गर्म है इसी में हमारी किशमिश फ्राई हो जाएगी। ये जलती बहुत जल्दी है, अंगूर बन जाएगी अभी। ये अभी अंगूर बनेंगी और अंगूर बनते साथ जलना चालू हो जाएंगे, इसलिए इसको बहुत तेजी से निकालना पड़ता है। है ना, कितनी अच्छी लगती ना ये, पुलाव में भी बहुत अच्छी लगती है, बिरयानी में भी बहुत अच्छी लगती है, इससे जायका बढ़ता ही है। जैसा मंदी वगैरह में भी मैंने बहुत डाली हूँ ये, ठीक है। तो चलो 3-4 मिनट हो गए हैं, चावलों को देख लेते हैं। माशाल्लाह चावल तो पके हुए नजर आ रहे हैं। तो चावल यहाँ हमको पूरे पके हुए नहीं चाहिए, बस चावल हमारे हाथों से टूट जाए बीच में से, है ना। ये इतने पक चुके हैं कि अब हम इसको निथार लेंगे। अब मैं इसको इसमें निथार के लाती हूँ। तो यहाँ पर हमने चावलों को अच्छे से निथार लिए हैं, खुले खुले बने हैं हमारे चावल। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमारा मसाला भी रेडी है, है ना। ये भी आधा पौना घंटा हो गया है आराम से इसको मसाला लगा के। अब क्या करेंगे हम, इसमें डालेंगे ये खोआ। मतलब शिरखुरमा और बिरयानी का दोनों का सामान एक ही में डाल रहे हैं। बहुत मजे का लगता है, आप लोग डाल के देखना, ठीक है। थोड़ा तो शिरकुरमे के लिए, लेकिन इसमें फैट रहता है ज्यादा, तो ये आप है ना बड़े का मटन या छोटे का मटन या इसमें नहीं डालना, ये सिर्फ चिकन में ही डालना, ठीक है। अब हम डालेंगे इसमें हमारे ड्राई फ्रूट्स। मतलब शिरकुरमा भी यही बनता है। अरे भैया, ईद के लिए बना रहे, स्पेशल के लिए, तो थोड़ी कुछ अलग होनी चाहिए कि नहीं, है ना, थोड़ा सा तो अलग मांगता है ना। अब हम इसमें थोड़े से डालेंगे प्याज, थोड़ी कोथमीर, थोड़े से पुदीने, ये हमने डाल दिए। अब हम डालेंगे हमारे इसमें चावल। मेरे से कौन से राइस है? अब मेरे को नहीं मालूम ये कौन से राइस है। कितने बार बोला तुमने? अरे मैंने ना उसको दुकान वाले को 50 बार पूछी, भैया मुझे दुकान में तेरे आती हूँ चावल अच्छे लगते करके, लेकिन तू मेरे को नाम क्यों नहीं बताता? तो बोलता ये मेरा सीक्रेट है, अगर मैं आपको बताऊंगा ना तो सारे दुकान वाले यही माल ला के रखेंगे, इसके लिए मैं तुमको नहीं बताता क्योंकि तुम्हारा वीडियो सब देखते, ऐसा बोलता है। तुम क्या बोलते रहते चावल? उसको मालूम है ना मैं कौन सा खाती, मैं उसको कुछ बोलती नहीं, खाली बासमती चावल जो मैं लेके जाती हूँ वो भेज दे बोलती हूँ, तो वो भेज देता घर पे। 100 रुपीज वाले? नहीं नहीं, अभी 100 नहीं रह गया, ये अभी 120 हो गया है। 100 रुपीज नहीं रहा है अभी, वो जब मैं लेती थी चावल रहता था 100 रुपीज, अब 120 रुपया हो गया है ये चावल। यहाँ पे हमने अच्छे से डाल दिए हैं हमारे चावल,
तो यहाँ पे मैंने सारे चावल डाल दी हूँ। अब मैं यहाँ पे ज़ाफ़रान का जो पानी बना के रखी थी ना दूध में, वो डाल रही हूँ। आप लोग भी डाल देना थोड़ा, आप लोगों को ये कलर अच्छा लगता है तो। मैं तो दो कलर डालूंगी, एक तो ये भी डालूंगी ज़ाफ़रान का भी, और दूसरा हम डालेंगे हमारा जो फूड कलर हमने बना के रखे है ये वाला, ये थोड़ा डालेंगे हम, क्योंकि इसके बगैर तो ना मुझे बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती बिरयानी हमारी। बस अब डालेंगे हम यहाँ पे हमारे प्याज, डालेंगे थोड़ा सा पुदीना। पुदीने से ना खुशबू बहुत मस्त आती है ढक्कन हटाते साथ, तो पुदीना तो ज़रूर डालना, पुदीना ज़रा भी स्किप नहीं करना, क्योंकि उसी से खुशबू आती है आपके बिरयानी में बहुत अच्छी। ठीक है, हम डाल दिए यहाँ पे थोड़ा सा पुदीना, थोड़ी सी कोथमीर, अब यहाँ पे भी हम डाल देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट ऊपर से, ठीक है ना। अब हम डालेंगे इसके ऊपर घी, यहाँ पे हम हमारे हिसाब से घी डाल रहे हैं, आप लोग अपने हिसाब से डालना, ठीक है। अभी इसमें मैंने घी डाल दी हूँ ऊपर से, घी डालने से ना क्या होता है थोड़े सॉफ्ट बनते हैं चावल और टूटते नहीं है, इसलिए घी जरूर डालना, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पे हमने सब डाल दिए हैं, अब हम इसको चढ़ा देंगे दम के लिए। तो यहाँ पर मैं अभी इसको दम पे रखने वाली हूँ, अभी इसको मैं 10 मिनट फुल आंच पे रखूंगी एकदम फास्ट गैस पे, फिर उसके बाद इसको आधा घंटा मैं मीडियम पे करके छोड़ दूंगी, मतलब पूरा 40 मिनट इसको पकने के लिए रखूंगी। जो भी 10 मिनट इसका टॉप गर्म होना चाहिए, चिकन हमारा ठंडा है कच्चा है, नीचे का थोड़ा पकना चाहिए, इसलिए हम फास्ट रखेंगे बाकी 30 मिनट मीडियम पे। तो चलो 40 मिनट हो गए हैं, अब हम यहाँ पे दूसरी तैयारी कर रहे हैं। देखो मेरी वाटी से मैंने एक वाटी बना ली है ना, अभी हम क्या करेंगे बिरयानी को स्मोक देंगे, खुशबू बिरयानी को स्मोक पहली बार सुना मैं। अरे देते ना मस्त वाली, हाँ हाँ हाँ, पहले ही खुशबू आ रही इसमें पुदीने की, फिर भी हम ये थोड़ा सा खुशबू और देंगे। तो यहाँ पर मैंने कोयले को जला ली हूँ, रेडी रखी हूँ, ये भी हम इसमें डालेंगे, और थोड़ा सा घी हम इसमें डाल देंगे। वाह, इसको बंद कर देंगे, और गैस मैं कर रही हूँ अभी बंद, और इसको छोड़ दूंगी अभी 2 से 4 मिनट के लिए इसी तरीके से ढक के। तो चलो देखते हैं, 3 से 4 मिनट हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मस्त खुशबू आ रही ना, हमारी कटोरी निकल गई है। आहा, मैं बताऊं आप लोगों को, निकाल के बिरयानी हो गई रेडी 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 एक नंबर। चावल देखो, ये देखो चावल, आहा कितने खिले खिले चावल है मेरे, देख रहे हैं आप लोग। ये अभी हमारी बिरयानी हम निकालेंगे, बिस्मिल्लाह, ये ओहो निकालो प्लेट में। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा निकाल लेंगे हमारी बिरयानी, ओहो मजे की एकदम, एक नंबर दिख रही, पता है हाँ एक नंबर बनी भी है। अपने बिरयानी में ना मैं मसाले रहते रहो माशाल्लाह है ना, वाह। तो यहाँ पर हो गई है हमारी रेडी स्पेशल ईद स्पेशल चिकन दम बिरयानी। तो दोस्तों तैयार हो गए अपनी ईद की स्पेशल है ना, चिकन दम बिरयानी, वो भी एकदम सिंपल और इजी तरीके से फटाफट झटपट बनने वाली बिरयानी बनाया है मैंने। हाँ, देख रहे एकदम रंग बिरंगी दिख रही है, एकदम कलरफुल मसालेदार चिकन भर भर के मस्त एकदम। हाँ हाँ, फिर भी मैं देखूँ, मेरा मन ना नजर ऐसी घूम घूम के वहीं जा रही है। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, उसका लुक कितना अच्छा है माशाल्लाह, काजू बादाम ऊपर से रिश्ता खोआ कांदा फ्राई करा हुआ जो डालते हैं ना वो उसका लुक अलग ही आता है, कांदा और कोथमीर और पुदीना है ना, खुशबू माशाल्लाह बहुत ही मस्त दिख रही है, टेस्ट अच्छा रहेगा ना, एक नंबर टेस्ट रहेगा। इसको मैं ना अफ्तार के बाद खिलाऊंगी, और अगली जो डिश बनेगी ना ये बिरयानी का रिव्यू उसमें देने लगा, बिल्कुल मैं ये बिरयानी का रिव्यू उसमें जरूर दूंगा। तो भाई इसके बाद वाला वीडियो भी जरूर आप लोग देखना, क्योंकि ये बिरयानी का रिव्यू मैं वो वीडियो में उसमें, लेकिन सही में माशाल्लाह ये बिरयानी कुछ अलग दिख रही है। ये तो हमें क्या करते हैं मालूम, बिरयानी कलर है ना जो ऑरेंज और ग्रीन वाला डालते हैं, आज हमने ना ग्रीन वाला नहीं डाले येलो वाला डाले, जिससे ना वो मसाले का लुक और चावल का लुक थोड़ा अलग और खिल के आ गया, मस्त है ना, मस्त लग रहा है। तो क्या बोला जाए, केसर है ना, केसर डाली ना मैंने, तो मैंने केसर का फिर येलो कलर आएगा, फिर हरा कलर डालो तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, इससे अच्छा हल्का सा उसमें येलो कलर मिला दो
केसर भी येलो कलर का ही रहता है, तो वो दोनों को एक में कर दी और हमारा फूड कलर एक में कर दी। और वो जो दम पे रखे थे 40 मिनट उसका भी एक बार इजी वाला प्रोसेस बता दो, क्योंकि उसमें बहुत कमेंट्स आएंगे, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन होता है लोगों को। मैंने ये जो बिरयानी हमारा आलू और चिकन कच्चा था, ठीक है, हमने मसाला उस हिसाब से डाले थे, दही और चिकन का पानी छूटेगा तो उसी में हमारी बिरयानी तैयार होगी। जो टमाटे, दही और चिकन, ये तीन चीज जो पानी छोड़ती है, उस मोमेंट के लिए हमने 10 मिनट फास्ट आंच पे रखे थे, ताकि जो चिकन और टमाटे, दही सब पानी छोड़ दे। जब वो पानी छूट जाता है, उसके बाद हम 30 मिनट इसको मीडियम से थोड़ा सा सिलो के तरफ ही रखते हैं, ताकि ये बिरयानी हमारी जले नहीं। बस पूरा 40 मिनट इसको आराम से पकाइए, 10 मिनट फास्ट पे, 30 मिनट मीडियम पे, आराम से आपका चिकन भी गल जाते हैं, उसमें आपके आलू भी सॉफ्टली गल जाते हैं, और दो कनी जो बाकी रहती है हमारे चावल की, वो भी गल जाते हैं। ठीक है, अब मैंने जैसा इसमें स्मोकी फ्लेवर बिरयानी में दी हूँ, अगर आपको बिरयानी में इस तरह का स्मोकी फ्लेवर देना है तो दीजिए, वरना आप जो मैरिनेट करके रखते हैं चिकन को, उसमें भी कोयला डाल के आप उसमें भी स्मोकी फ्लेवर दे सकते हैं। उसके बाद आप चावल रख के दम पे चढ़ा सकते हैं, या फिर पूरे चावल या बिरयानी बनने के बाद इस तरीके से भी दे सकते हैं। दोनों तरीके से आप कोई भी वक्त पे स्मोकी फ्लेवर दे सकते हैं, ठीक है। और ये बनेगी, गारंटी के साथ बोलती हूँ, बहुत मज़े की बनी है। बस मिर्ची की मात्रा हम हमारे हिसाब से डालते हैं, आप लोग अपने हिसाब से डालना, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा तेज़ नहीं खाते। फिर भी माशाल्लाह मैंने इसमें मिर्ची की भुक्की और हरी मिर्ची सब ऐड करी हूँ, गरम मसाले भी भर भर के ऐड करी हूँ, और जावित्री और जायफल खुशबू के लिए ज़रूर डालना पीस के, ठीक है। तो आपकी बिरयानी बहुत मज़े की बनेगी। खोवा मैंने डाली हूँ, खोवे से टेस्ट अच्छा आता है, उससे टेस्ट आपका खराब नहीं होगा, एक नंबर बिरयानी बनी। और ड्राई फ्रूट जिस चीज में जाते हैं जायका ही बढ़ाते हैं, जायका कम नहीं करता है, ठीक है। तो अपनी कितने किलो की बिरयानी बनी अभी? माशाल्लाह ये बन गई है हमारी, एक पौना पौना किलो, मतलब डेढ़ किलो की बिरयानी तैयार हो गई। तो मुझे ना एक कमेंट आया था, जब से मैं फोन में वही ढूंढ रहा था, इंस्टा पे किसी ने मैसेज किया था कि मुझे 5 किलो की बिरयानी बनाना है, 2.5 किलो मैं मेरे घर में रखूंगी और 2.5 किलो में दूंगी मदरसे में। अच्छा। तो उसको उनको ना वो प्रॉपर पोर्शन में, मतलब एक अंदाजा तुम बता दो कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स कितना कितना डाल सके, अगर अभी तुम बता सके तो। हाँ, तो 2.5 किलो में क्या लेना है आपको? 2.5 किलो मतलब 5 किलो बनाना है ना आपको? हाँ, तो आप बनाना है मटन बिरयानी। हाँ, तो 5 किलो के लिए आपको अदरक लहसुन लगेंगे, आपको कम से कम 150 ग्राम अदरक, 150 ग्राम ये लहसुन, ठीक है, और 0.5 किलो के आसपास आपको पूरे टमाटे लगेंगे, 0.5 किलो के आसपास दही लगेगा, हरी मिर्ची की मात्रा आपको लगेगी 6 से 7 पीसी हुई, और मिर्ची की बुक्की तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मिर्ची की बुक्की आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। धनिया की बुक्की आप डाल सकते हैं, उसके अंदर 100 ग्राम हल्दी आपको डालना है, 25 ग्राम, ज्यादा एकदम पीला हो जाएगा, नहीं तो ज्यादा डाल देंगे तो, 25 ग्राम से भी थोड़ा कम हो सके तो भी डालेंगे तो भी चलेगा, 2 बड़े चम्मच जैसा मैंने अभी डाली हूँ उस तरीके से डालें तो भी चलेगा। नींबू आपको डालना है उसमें 4 से 5, आराम से खट्टा फ्लेवर आना चाहिए पूरी तरीके से, और आपको उसके अंदर पूरे 2 किलो प्याज लाल करके पूरा यूज करना है, पूरा 2 किलो प्याज आप फ्राई कर लीजिए, आप उसके अंदर से इतनी मात्रा उठा के रख दीजिए साइड में, जो हम बीच में बिछाते हैं और ऊपर बिछाते हैं, बाकी आप सारा प्याज आप डाल दीजिए उसमें मसाले में, आपकी बिरयानी बहुत मजे की बनेगी। क्योंकि देखो, मेरा मानना है मसाले नहीं तो बिरयानी नहीं, क्योंकि खाली चावल फिर हम तड़का देके भी खा सकते हैं ना। हाँ। मुझे बिरयानी में थोड़ा तो मसाला, तो ये अप्रोक्स मैंने आइडिया बता दिया कि 5 किलो बिरयानी में आप ये इंग्रेडिएंट्स इतना इतना सामान ले सकते हो, और छोटे मोटे मसाले तो आप अपने हिसाब से ले ही सकते हो, है ना। वैसे ये जो तुमने बनाया है 1.5 किलो की, 1.5 किलो तो ये ऐसे टाइप में, मतलब 3 गुना सामान बढ़ा के 5 किलो की भी बना सकते हैं। हाँ, अंदाजा आप लगा सकते हो इसका। बस इतना है कि ना, हम कभी कभी दही की मात्रा इसमें ज्यादा ले लेते हैं, तो उसमें थोड़ा सा और बढ़ा के ले लेना, क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा होती है ना, तो एकदम दही डबल नहीं कर देना, दही को थोड़ा पौना एक थोड़ा हिस्सा ही बढ़ाना, नहीं तो कभी कभी क्या होता है, डबल बढ़ाने से पूरा मसाला मसाला हो जाता है, और फिर चावल आपके ना सूखे कम रहते हैं, आप मसाला के टॉप पे चावल बढ़ाना पड़ता है, फिर मसाला ज्यादा आने लग जाता ना, तो फिर अरे भाई सूखे चावल डालो, सूखे चावल आते ही नहीं है। लेकिन अभी ये बिरयानी में सही में मसाले और चावल दोनों की क्वांटिटी एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई सूखा चावल नहीं मांगेगा, एकदम परफेक्ट चिकन दम बिरयानी बनी है स्पेशल ईद के, एक नंबर। तो भाई, अगर आपको और भी आने वाले वीडियो देखो, अभी कम से कम ये वीडियो जा रहा हमारा 20वें रोजे को जाएगा, 10 दिन बचे हैं। जिसको भी शंका है, कोई सवाल करना है, बेझिझक आप इंस्टा पे
या फिर नहीं, मैं बोल रहा था कि भाई और भी अगर बिरयानी या पुलाव या फिर जो स्पेशल डिश हम ईद में बना सके, तो अगर आप लोगों को देखना है ना तो कमेंट करो कि आने वाली वीडियोस में आपको कौन सी बिरयानी चाहिए या फिर कौन सा पुलाव चाहिए या फिर कोई और मटन की डिश। हाँ, तो मैं बनाऊंगी। हाँ, तो वो हम इंशाल्लाह बनाने की फुल कोशिश करेंगे। ईद स्पेशल मैंने दाल गोश भी बना के डाली थी कि बहुत से लोगों को बिरयानी पसंद नहीं आती है तो दाल गोश और राइस खाते हैं, तो उन लोगों के लिए मैंने दाल गोश और जीरा राइस भी बना के डाली। या फिर चिकन का एकदम मसालेदार सालन के मतलब कि अगर वो सालन खाए ना हम तो थोड़ा एक टाइम पे ना बिरयानी ध्यान से निकल जाए। हाँ, ऐसा तो मैंने बनाई हूँ ना मेरे चैनल पे, वो हाँ, भी बनाई हूँ। तो और भी मैं चाह रहा हूँ और भी लोग कमेंट्स करें। हाँ, कमेंट्स करो, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी। हमारे भी दिमाग में आ रहे हैं यार, कमेंट्स पे मैं पूरी तरीके से खरी उतरी। हाँ, ठीक है, तो चलो। तो अभी शिरकुरमा भी आएगा कि नहीं कुछ वीडियो? हाँ, इंशाल्लाह आएगा मजा, क्योंकि अभी देखो रमजान के इसके मजे हो जाते हैं तुम लोगों से पहले, इसलिए ये खुश हो जाता है। लेकिन कुछ गड़बड़ी कर रहा है इसमें, अभी सेम एज इट इज में कुछ ये रात में। अरे बताओ सीक्रेट, बताओ क्या कैसा है ना? अबे ये सालन थोड़ी है जो हम पतला गाढ़ा करेंगे। देखिए अभी ने बता दिए, स्ट्रीट फूड जाएगा मैं बोलता है शाही, और नीचे जाए तो क्या शाही ही होता है। लेकिन कैसा ना, कभी कभी ना मेरे हाथ से गर्म मसाला थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो जैसा मेरे लड़के को प्रॉब्लम है, ज्यादा गरम मसाला नहीं खा पाता है, तो उसको थोड़ा सा दूध हमको सालन में डाल के उसके हिसाब का करके देना पड़ता है। हाँ। तो ये क्या बोलता है, ऊपर से आता है कुछ बन के नीचे आता है कुछ। तो अभी देखो, जिसको तीखा लग रहा है, किसी को सीना जल रहा है, तो उसका मेरे को हल निकाल के करके देना पड़ता है। अभी तू भी तो बोलता है तो तेरे को भी तो करके देती हूँ ना मैं। मैं भी तो ये बोलता हूँ, वही दो वैसा तुम वैसे जिसको लगेगा मैं उसको अलग करके देती हूँ, जिस ज्यादा फ्लेवर नहीं चाहिए, किसी को तीखा नहीं चाहिए, ऐसा भी होता है ना, तो वो हिसाब से। अरे चिकन में ज्यादा मसाला हो जाता है मेरे हमेशा, तो सूखे चावल कभी कभी मांगने लग जाते हैं मुझे, अलग से ना चावल को बॉईल करके पे चावल रख के पूरा फ्लेवर बिरयानी का सेम देना पड़ता है मुझे, स्टीम करके वो चावलों को, और फिर देना पड़ता है लोग, मसाला इतना हो जाता कभी कभी बिरयानी में होता है गड़बड़ किसी। हाँ, किसी तो ऐसा नहीं है कि कोई बोल सकते कि मैं मिस्टर परफेक्ट हूँ, कोई नहीं होता दुनिया में, हर कोई कुछ ना कुछ कभी ना कभी गलती करता ही है ऐसा। तो भाई फिर जाने से पहले वो एक बार फिर मेंशन कर देता हूँ मैं कि दम पे रखने के बाद 10 मिनट हाई फ्लेम पे रखना है और बाकी के 30 मिनट मीडियम पे रखना है, स्लो पे नहीं, है ना। हाँ। चलते हैं फिर। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगा होगा, हमारी बिरयानी की रेसिपी पसंद आई होगी। ना चिकन ऐसा तोड़ तोड़ के भी बताती थी, बिरयानी सॉफ्ट कर गया 40 मिनट में, लेकिन मैं इसलिए तोड़ के नहीं बता रही, याद बोलेगा अम्मी रखो। हाँ, वो नजर हटती नहीं, अभी देखो मैं कितने देर से देखा नहीं। हाँ, सब रोजदार है ना। हाँ, भाई ये बोल रहा था कि भाई इस बिरयानी की एक भी चीज अगर आपको पसंद आई होगी तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना। जो हमारे चैनल पे नया है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया, ये बिरयानी को देख के हमारे चैनल पे आए हो और अभी तक देख रहे, तो भाई अगर सब्सक्राइब करके नहीं गए, फिर क्या बताओ, सब्सक्राइब करो यार, कौन सा चाहिए धमकी दी है, सब्सक्राइब करो यार, ईदी नहीं मांग रहा हूँ, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब नहीं करे ना तो फिर देखना प्लीज कर दो ना, ऐसा वाला था ना। कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को और इस बिरयानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। क्यों शेयर करो भी बता दो, क्योंकि एकदम इजी और सिंपल तरीके से बनी है, जो कि ईद के मौके पे हर किसी को टाइम नहीं रहता है, बिजी रहते हैं, नए कपड़े की तैयारी करते हैं पूरा महीना, हम ही औरतें लोग की बात बता रहे, नए कपड़े की तैयारी करते पूरा महीना, और ईद में आधा दिन तो पहनते नहीं है। सही बोला, अरे पकाने का है, बच्चों को खिलाने का है, गंदी मैक्सी में मैं बिरयानी बन रही है, ये किसका बोल रहा है तू? मैं बता रहा हूँ, देखे मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं क्या मतलब भाई, ये बिरयानी शॉर्टकट वाली है, फटाफट बनने वाली, मसाले में सब एक साथ मिला दो, चढ़ा दो और वहाँ तुम भी जाके तैयार हो जाओ, है ना। बहुत इजी से आपको जो मसाले मैंने बताई हूँ मेरे टोप में मैंने मैरिनेट करी थी, जिसमें आज मुझे पकाना था, तो मैं वही लेके खड़ी हो गई थी, मैं बोली इसी में मैं मिलाऊंगी और इसी में मैं चढ़ा दूंगी फटाफट। तो जैसा मसाला लगाई थी ना मैं, कभी मैंने चांद रात के दिन, चांद दिखने के बाद, अगर चांद नहीं दिखा तो पोपट भी हो सकता है, इसके लिए चांद दिखने के बाद मसाला अच्छा लगा लेने का और फ्रिज में थोड़ी जगह खाली करके उसमें रख देने का, अच्छा। सिल्वर कॉइन लगा के, और दूसरे दिन हम शिरकुरमा बनाते हैं ना, तो शिरकुरमे के बाद हमारा दूसरा टोक चढ़ा देने का चावल बॉईल करने के लिए, फिर वही चावल बॉईल हमारे चिकन पे डाल के दम पे रख दीजिए ना, आपको कपड़े गंदे होंगे ना कुछ, आपकी ईद भी हो जाएगी और बिरयानी भी चलते हैं। चार घंटे हाँ? तो चलो चलते हैं, जाने से पहले मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, इंस्टाग्राम की आईडी स्ट्रीट फूड जायका, मैंने मेरे कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर दिया, तो उसको ओपन करो और फॉलो करो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना।